तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो, एक जो मूवी सिर्फ अपने नाम से चल रही है, पोस्टर के दम पर चल रही है और बस डायरेक्टर के नाम पर चल रही है और एक्टर के नाम पर चल रही है, लेकिन इस मूवी का अभी तक टीजर नहीं आया है। और बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज जिनके टीजर आ चुके हैं, एनिमल का टीजर आ चुका है, उधर सालार मूवी का टीजर आ चुका है ना। तो मैं अब यहाँ तुम समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, डंकी मूवी की बात कर रहा हूँ जो सालार के साथ बिग क्लैश होने वाला है। तो भाई साहब, इस मूवी का अभी तक टीजर नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। मतलब वीडियोग्राफी में बस इतना ही टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था, वो एक साल पहले हुआ था और कुछ नहीं कि ये मूवी पे हम काम कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी ने पर्सनल एक टाइप से इंटरव्यू ही लिया था शाहरुख खान का, लेकिन अभी बाय गॉड कोई भी टीजर नहीं आया है, कोई भी इतने सॉलिड पोस्टर्स नहीं आए हैं। बस एक पोस्टर परसों निकला था और उसने धमाका काट रखा है, अभी मतलब परसों से लेके अभी तक लगातार धमाका काट रखा है। तो भाई साहब, इस मूवी की हाइप अभी से इतनी ज़बरदस्त चल रही है, जो रनिंग में मूवी चल रही है उनको आदमी एक बार के लिए भूल जा रहे हैं, लोग उसको भूल जा रहे हैं एक बार के लिए। अभी मैं क्या देख रहा था कि एक फैन मेड टीजर निकाला गया है। तो भाई साहब, टीजर के लिए ना बड़ी ही गुत्थम गुत्था चल रही है डंकी मूवी के लिए। और यस, ये टीजर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, वो भी बात करेंगे कैसे क्या मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है यार, वीडियो को एक लाइक करना है, क्योंकि बिल्कुल भी यार आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। तो बात करते हैं डंकी के टीजर के बारे में। तो अभी फैन मेड टीजर निकाला गया था, क्योंकि परसों क्या हुआ था कि मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट करी गई थी इंटरनेशनली, मूवी को 21 दिसंबर को रिलीज करा जाना है। मे बी हो सकता है कि इंडिया में भी 21 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया जाए, वर्ल्ड वाइड ये मूवी शायद एक ही डे पर रिलीज हो जाए। फिलहाल अभी के लिए न्यूज इतनी है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली ये मूवी को एक दिन पहले रिलीज कराया जाएगा। खैर, ये चीज़ अच्छी भी है, फैंस को इतनी दिक्कत नहीं होगी, ऑडियंस को इतनी दिक्कत नहीं होगी कि एक मूवी देखी फिर दूसरी मूवी के लिए जाने लग गए। तो ये ठीक है कि एक दिन वो देखेंगे, दूसरे दिन वो देखेंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैं कह रहा हूँ किसी भी फैन का छूटना नहीं चाहिए। होता ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सुपरस्टार के फ़ैन हो तो दूसरे को भूल जाओगे। कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो उसका भी फैंस होता है, जो उसका भी फैंस होता है। यस, मैं यहाँ शाहरुख खान का भी फैंस हूँ, मैं यहाँ प्रभास का भी फैंस हूँ। मुझे दोनों की एक्टिंग पसंद है, मुझे दोनों का पिच उनके उनके टाइम पर पसंद है। शाहरुख खान की अलग इमेज है, प्रभास की अलग इमेज है, भाई साहब दोनों के लिए वेट है। लेकिन बात यह है कि डंकी का टीजर कब आना है। तो डंकी का टीजर अगर सोर्सेज देखें, अगर प्रीवियस रिपोर्ट्स उठा के देखें, तो पठान के टाइम पर क्या हुआ था, पठान का टीजर कब आया था, 2 नवंबर, जब शाहरुख खान का बर्थडे था। तो भाई साहब 2 नवंबर आ रहा है और टीजर को रिलीज करने के लिए इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। जो मैं कह रहा हूँ कि प्रभास के टाइम पर सालार के मेकर्स ने उसे मिस कर दिया, एक सिंपल सा पोस्टर निकाला उन्होंने, बल्कि कल के दिन बड़ा ही अच्छा था उनके लिए। तो कल ऐसी ऐसी चीज़ें रिवील कर सकते थे, रिलीज कर सकते थे अपनी मूवी को लेकर। तो कल वैसे ही सालार इतना ज़्यादा हाइप सेट करके बैठी थी जब कल प्रभास का बर्थडे था 23 अक्टूबर को, तो वहाँ अगर मूवी से रिलेटेड कुछ और डाल देते तो भाई साहब वो कितना ज़्यादा बूस्ट करता, बहुत ज़्यादा बूस्ट करता। ये लोग हल्के में ले रहे हैं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं SRK को। ये लोग वही सोच रहे हैं कि जब उस टाइम पर जीरो मूवी आई थी और तब क्या कहते हैं KGF 2 आई थी, तब हमने उसको बीट डाउन कर दिया था, लेकिन भाई साहब वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। यहाँ पर शाहरुख खान की जो फॉर्म चल रही है ना, दूसरा ना पैट्रियोटिज्म वाला जो कनेक्शन जोड़ रखा है, जो इमोशन जोड़ रखा है, हिंदुस्तानी लोग इमोशनल बहुत होते हैं भाई साहब, हम इमोशन से भरपूर बैठे हैं। क्या एंगर इमोशंस ले लो, क्या इमोशनली इमोशंस ले लो, क्या सैड इमोशनल, हमारे पास इमोशंस की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा इमोशन यहाँ है देशभक्ति का, ये जब जुड़ जाता है ना तो कोई भी मूवी कब आगे निकल जाती है पता नहीं लगता है। पठान के टाइम पे पेट्रियोटिक वाला कनेक्शन सेट कराया गया शाहरुख खान के साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए। जवान में भी कहीं ना कहीं वो देशभक्ति वाला रोल ही निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या निभा ही रहे हैं, है ना। तो अब उसमें क्या है, डंकी में क्या है, डंकी में भी एक पेट्रियोटिज्म देशभक्ति वाला ही रोल निभा रहे हैं। तो भाई साहब ये बड़ी अच्छी वाइब चल रही है उनकी, स्टेप टू स्टेप, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा माइंडेड तरीके से सब कुछ सेट कर रखा है, क्योंकि राजकुमार हिरानी ये नाम ही काफ़ी हो रहा है मूवी के लिए। परसों जब पोस्टर आया था उसमें सिर्फ राजकुमार हिरानी फिल्म्स ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, शाहरुख खान का नाम तक नहीं लिखा था, और उस पोस्टर के बाद जो धमाका काट रखा है भाई, ऑसम, देख रहे हो ना। तो यही चीज़ कि 2 नवंबर को जब टीजर आ जाएगा तो फिर देखना डंकी की क्या होने वाली है हाइप। अभी जो हाइप है
फिर जो हाइप निकलेगी ऑसम निकलेगी, ज़बरदस्त निकलेगी। एक वो फैन मेड टीजर देख रहा था मैं कहीं डंकी का, और सॉलिड यार, जिसने भी वो बनाया है बहुत ही बारीकी से रिसर्च करके निकाला है, सूझबूझ पूरा साठ गांठ बैठा के, मतलब पूरा बैलेंस करके, जो फ्रेम जो थीम हमको पोस्टर में देखने को मिल रही है वही थीम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बंदे ने पूरा डिक्टो, मतलब ऑर्गेनिक लग रहा है वो टीजर ऐसा निकाल रखा है, तो दमदार है। देखो ना वही चीज़ यार कि इतना ज़्यादा हाइप सेट करके बैठी डंकी मूवी, तो जब टीजर आ जाएगा भाई साहब फाड़ जाएगी बाय गॉड फाड़ जाएगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ये डंकी पीछे नहीं हटने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन करने वाली है, 1000 करोड़ कहीं नहीं गए, अब भी से कह दे रहा हूँ 1000 करोड़ कहीं नहीं गए, क्योंकि राजकुमार हिरानी ये नाम जुड़ा पड़ा है ना, ये हमें पूरा भरोसा दे के जा रहा है। जवान पठान का जो फीडबैक ब्रांडिंग सेट कर रखी है वो हमें भरोसा देकर जा रहा है, और उसके बाद जो इसके कंटेंट से रिलेटेड बातें चल रही हैं वो हमें भरोसा देकर जा रहा है कि यस ये मूवी कैसे ना तैसे 1000 करोड़ टच करेगी, तो करेगी। चाहे आप सामने प्रभास को ले आओ, द डायनासोर को ले आओ, किसी को भी ले आओ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभास की हाइप कम है, भाई साहब वो भी 1000 करोड़ टच करके जाएगी। वेट करते हैं 2 नवंबर तक का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।